बिहार के मंत्री की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। रामचरितमानस पर बयान को लेकर लगातार अयोध्या के संत समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। साधु संतों ने कोतवाली पहुंचकर मंत्री चंद्रशेखर पर एफआईआर की मांग की थी और साधु संतों ने, आपको बता दें कि मंत्री के पुतले भी फूके हैं। इतने शिक्षा मंत्री हैं जिनका कोई बुद्धि विवेक नहीं है, जो श्री रामचरितमानस के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनको वो इतना भी ज्ञान बोध नहीं है कि हम किसके ऊपर क्या बोल रहा हूँ। ऐसे समाज में शिक्षा मंत्री बनाना या ऐसे समाज में व्यक्ति को रहना बहुत दंडनीय अपराध है। इसलिए अपराध है कि समाज को लड़ाने का ये काम कर रहे हैं। उनके चरित्र से कहीं कोई खिलवाड़ करेगा ये हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराया है, आज उसका पुतला भी फूंका गया है। कितने लोग आपके? हम लोगों के साथ बहुत सारे महात्मा हैं, तमाम यहाँ कथावाचक हैं। सरकार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर प्रसाद, उन्होंने रामचरितमानस पे और मनुस्मृति पे, जो हमारे हिंदू सनातन का पूज्य ग्रंथ है और हम लोग आराध्य मानते हैं, उस पर उन्होंने जो है अभद्र टिप्पणी किया। बिल्कुल ऐसा टिप्पणी किया जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति कोई बच्चा बोलता हो। तो उन्होंने जो है रामचरितमानस को जलाने और तमाम बातें कह दिया, ये बिल्कुल गलत और निंदनीय है। एक शिक्षा मंत्री और अशिक्षित बात करें ये शोभा नहीं देता है। संतों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है और संत इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये अभी यूपी में होता तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बर्खास्त भी किए होते, उनके ऊपर एफआईआर।